Hello everyone and welcome to our channel Book Lovers. We creates the way to success. तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के SST का सिलेबस जो लेटेस्ट CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग शेड्यूल हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे. सो वी नो दैट जो हमारा एग्ज़ाम होता है टू टाइप्स में होता है. एक तो थ्योरी होती है उसमें 80 मार्क्स की, ठीक है, और एक क्या होता है प्लस असेसमेंट. ठीक है, असेसमेंट तो हमारा जस्ट फॉर 20 मार्क्स होता है, वो तो हमारे स्कूल के हाथ में होता है और उसमें वैसे भी हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, राइट. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. हमें मेन टेंशन होती है हमारे जो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है उसके बारे में. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. जो हमारा पहला यूनिट है वो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि हिस्ट्री होता है. तो चैप्टर 1 हमारा हिस्ट्री का है, जो कि नंबर ऑफ़ पीरियड 60 लेगा और जिसके मार्क्स है 20. मीन्स चारों सब्जेक्ट 20 20 20 20 है. नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज जियोग्राफी. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स विच इज़ सिविक्स. एंड लास्ट इज इकोनॉमिक्स. सो लेट अस सी जो हमारे हिस्ट्री है उसमें कितने चैप्टर्स आ रहे हैं. सबसे पहला है द फ्रेंच रेवोल्यूशन. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, विद इन अ वीक हम इसको कंप्लीट करेंगे 7 डेज के अंदर. तो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द आउटपुट ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, डिड वीमन हैव अ रिवोल्यूशन, द अबॉलिश ऑफ सेलेवरी एंड द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ. नेक्स्ट है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, द एज ऑफ सोशल चेंज, द रशियन रेवोल्यूशन, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR. नेक्स्ट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, हिटलर राइज पावर, द नाजी वर्ल्ड व्यू, यूथ इन नाजी जर्मनी, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनियलिज्म एंड द पेट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. सो इन दोनों चैप्टर में बेसिकली हमारे पास चॉइस होती है, राइट, वी हैव चॉइस. तो इट्स योर विश आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हो, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि स्कूल में एक ही चैप्टर करवा दिया जाता है, जैसे हमारे टाइम में हुआ था. सो ये जो फॉरेस्ट वाला चैप्टर है इसमें वाइल्ड डिफॉरेस्टेशन, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रेबेलियन इन द फॉरेस्ट, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा. नेक्स्ट इज पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, पेस्टोरलिज्म इन द अफ्रीका. नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया विच इज जियोग्राफी. जियोग्राफी की बात करें तो पहला चैप्टर है हमारा इंडिया, साइज एंड द लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर. बहुत ईजी चैप्टर है. फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बात करेंगे इसमें हम. नेक्स्ट इज ड्रेनेज, मेजर रिवर्स एंड द ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, रोल ऑफ रिवर इन द इकॉनमी एंड पॉल्यूशन इन द रिवर्स. नेक्स्ट इज क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिकली टफ भी लगता है ये चैप्टर, बिकॉज में ऑनसेट ऑफ मानसून एंड ऑल होता है. कोई नहीं, हम इसको भी ईजी तरीके से पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए अभी. सो इसमें आएगा, एक तो कंसेप्ट आएगा हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंडियाज क्लाइमेट, द इंडियन मॉनसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड द मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये मेजर एक सिंगल एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बहुत आता है. नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन, वेजिटेशन टाइप, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अब बात करते हैं हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, दैट इज सिविक्स. व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. चैप्टर हमारा पहला है विच इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इन डेमोक्रेसी. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में हमारा पहला टॉपिक आएगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स,
वाई इलेक्शन, व्हाट इज़ आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन एंड व्हाट इज़ द इलेक्शन इन द इंडिया डेमोक्रेटिक, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हाउ इज़ द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. डेमोक्रेटिक राइट्स, लास्ट चैप्टर, लाइफ विदाउट राइट्स, राइट्स इन द डेमोक्रेसी, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द राइट्स. लास्ट हमारा इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बात करेंगे, सबसे पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. उसके अंदर हम क्या क्या बात करेंगे, ओवरव्यू होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालमपुर एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से. नेक्स्ट इज पीपल एज अ रिसोर्स, ओवरव्यू, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वीमेन, quality of production, population and unemployment. Next is population, poverty as a challenge. ठीक है, 2 typical cases of poverty, poverty as seen in social scientist, poverty estimates, vulnerable groups, under state disparities, global poverty scenario, causes of poverty, anti-poverty measures and challenge ahead, food security in India. इस चैप्टर में ओवरव्यू होगा सबसे पहला टॉपिक, फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी क्या होता है, क्यों होती है और कौन होते हैं फूड इनसिक्योर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, व्हाट इज़ बफर स्टॉक, व्हाट इज़ अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड करंट स्टेट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस, डिस्कशन ऑफ सिलेबस. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टोल्ड यू, सो गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम एंड टैग अस एंड बाय राइटिंग दैट वी गॉट इट एंड वी हैव स्टार्टेड to execute it. Thank you and have a nice day.